सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। बहुत से डिफेंस एस्पिरेंट्स को टेरिटोरियल आर्मी और रेगुलर इंडियन आर्मी को लेकर कंफ्यूजन रहता है, तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के बारे में और आपको बताएंगे कि टेरिटोरियल आर्मी क्या है और आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स का ड्रीम होता है इंडियन आर्मी को एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वे अपने इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते और इनमें ज़्यादातर कारण एज लिमिट का होता है। तो टेरिटोरियल आर्मी आपको वो अवसर प्रदान करती है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी को एज ए ऑफिसर ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 9 अक्टूबर का दिन प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के नाम से मनाया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी देश की यंगस्टर्स को वो अवसर प्रदान करती है कि जिससे वे राष्ट्र की सेवा कर सकें और हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी की अमेजिंग लाइफ का अनुभव ले सकें। इसकी सबसे खास बात यह है कि आप देश के आम नागरिक रहते हुए भी सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी क्या है और आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी रेगुलर इंडियन आर्मी के बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है, जो 9 अक्टूबर 1949 में स्थापित हुई थी। आप इसे स्वैच्छिक पार्ट टाइम नागरिक सेवा भी कह सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी रेगुलर इंडियन आर्मी का ही हिस्सा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य संकट काल में आंतरिक सुरक्षा का दायित्व लेना और आवश्यकता पड़ने पर रेगुलर इंडियन आर्मी को सपोर्ट और यूनिट प्रदान करना है, और आप इसे देश की बैकअप फोर्स भी कह सकते हैं। वर्तमान में इस सेना में लगभग 40,000 जवान शामिल हैं। हम आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी में भारत के बहुत से सेलिब्रिटीज जैसे कि अनुराग ठाकुर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, मिल्खा सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर, शूटिंग खिलाड़ी विजय कुमार जैसे और भी कई सेलिब्रिटीज शामिल हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो टेरिटोरियल आर्मी उन लोगों के लिए है जिनके अंदर देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा है। तो चलिए अब जानते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कैसे किया जाए। तो हम आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी के लिए केवल इंडियन मेल सिटीजन और एक्स सर्विस ऑफिसर्स ही एलिजिबल हैं। फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में सिविलियन कैंडिडेट्स और एक्स सर्विस ऑफिसर्स का सिलेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। सिविलियन कैंडिडेट्स को पहले रिटन एग्जाम देना होता है और रिटन एग्जाम को क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को PIB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और PIB इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है, जबकि एक्स सर्विस ऑफिसर्स का सिलेक्शन डायरेक्ट आर्मी हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड ASB इंटरव्यू के थ्रू होता है। इनके लिए कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। ध्यान रहे, टेरिटोरियल आर्मी के लिए आपका फिजिकली और मेडिकली फिट होने के साथ साथ आपका गेनफुली एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड होना भी जरूरी है। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को कमीशन प्राप्त करने के पहले साल में 1 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, और बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद पहले 2 वर्षों के अंदर IMA देहरादून में 3 महीने की पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग दी जाती है। टेरिटोरियल आर्मी में चुने गए कैंडिडेट्स को सबसे पहली रैंक लेफ्टिनेंट की दी जाती है। अगर आप में भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा है और किसी वजह के कारण आप आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। तो ये थी टेरिटोरियल आर्मी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।